सो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन OBS में कैसे ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, गिटहब का लिंक है, उससे आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है SCRCPY, मेरे को खुद प्रोनाउंस नहीं करना आता, जज मत करना। आपको क्या करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपको कोडिंग वगैरह इसकी देखनी है तो आप कोड भी देख सकते हैं, गिटहब का लिंक है, ये ओपन सोर्स है। डाउनलोड करने के लिए आप सीधा स्क्रॉल डाउन कीजिए, विंडोज़ का इधर आ रहा होगा, या और कोई अगर लिनक्स और मैक ओएस के यूज़र हैं आप तो आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा लिनक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ज़्यादा मैक ओएस की है, बट फिर भी ये वैसे बेसिक है, बट एक बार देख लीजिएगा इंस्टॉल करने के लिए। मैं खुद पर्सनली विंडो यूज़र हूँ और मोस्टली ज़्यादातर क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग करने वाले विंडोज़ यूज़र्स ही होते हैं। आपको मैं बता दूँ, आपको एंड्रॉयड की स्पेसिफिकेशन ये iOS के लिए नहीं है, ये ओनली एंड्रॉयड है। तो आपको अगर मोबाइल स्क्रीन कैप्चर करनी है आपको एटलीस्ट एंड्रॉयड 5 होना चाहिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा फिर से। सिर्फ फाइल होगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फाइल सीखेंगी। तो अभी फ़िलहाल इसको अभी पॉज कर देते हैं, अभी इधर हमने कुछ करना नहीं है। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की तरफ। हमें यहाँ पर USB डीबगिंग ऑन करनी है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक हर मोबाइल का अलग अलग सिस्टम होता है, बट मैं आपको एक यूनिवर्सल सिस्टम बता देता हूँ कहाँ से कैसे करना है। आप सेटिंग्स में जाए अपने मोबाइल की, आप बस ऊपर सर्च कीजिए USB डीबगिंग, तो आपको मिल जाएगा USB डिबगिंग। मैं अभी फिलहाल इधर डाल देता हूँ USB डिबगिंग, तो ये आ चुका है। अगर आपको नहीं आया सर्च का ये ऑप्शन, सर्च में ये नहीं दिखा, तो आपके डेवलपर ऑप्शन से इनेबल नहीं होंगे। तो इनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, अपने सिस्टम में जाना, अबाउट फ़ोन में जाना है। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नीचे बिल्ड नंबर दिखा होगा, इसको आप 7 to 8 times टैप करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप डेवलपर ऑप्शन में जाएँ, USB डिबगिंग ऑफ होगा, इसको ऑन कर लीजिए। तो अब इसको ऑन करने के बाद हमारे फ़ोन से कोई हमने ऐप इंस्टॉल नहीं करना है थर्ड पार्टी, बस सिंपल है, बस USB डिबगिंग ऑन करना है। तो अब हम चलते हैं वापस अपने PC की तरफ। तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसको, अब क्या कहते हैं, हम मोबाइल में हमने USB डिबगिंग भी ऑन कर ली है। तो अब हमें या तो हम SCRCPY.exe फाइल खोल सकते हैं और कंसोल में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी। हम इधर से कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको नो कंसोल वाला खोले, वो लेस पावर लेता है और कुछ ज़्यादा झंझट लाइक कंसोल खुलता नहीं, फाइनल क्लीनर लुक होता। आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट हालांकि आपको वॉइस नहीं आएगी, लाइक इन मोबाइल जो आपको वॉइस आती है वो नहीं आपको आएगी। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, अपने ऑक्स केबल लेना पड़ेगा। ऑक्स केबल अपने मोबाइल के हेडफोन जैक में लगा दें और अपने PC के इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन के वाले जगह में लगा दें। PC सोचेगा कि ये मेरे को हैज़ ए माइक्रोफोन इनपुट आ रहा है और वो हैज़ ए हेडफोन, मोबाइल आपका हेडफोन आउटपुट देगा, तो आपके OBS में वो इनपुट आ जाएगा लाइक आपके मोबाइल की ऑडियो। बट ये आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कुछ फ़ोन्स में ऐसा होता है कि कीबोर्ड भी होता है, वो सेटिंग होता है, बट हालांकि मेरे फ़ोन में नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता वो। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं OBS में अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो आप अभी देख सकते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, आप क्या करें, ऐड विंडो कैप्चर करें एंड ऐड विंडो कीजिए, और उसको आप मेरा आपके फ़ोन का नाम आ गया होगा और SCRCPY.exe आ गया होगा, आप इसको ओके कर दीजिए। तो आपका इधर ये भी, आप इसको जैसे चाहे वो वैसे कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो ये अभी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप हॉरिजॉन्टल गेम खोलोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फुल स्क्रीन यहाँ से कर देते हो तो इधर भी बड़ा हो जाएगा, इसकी और आप टेंशन मत लीजिए, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता रहेगा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था, आई होप मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया होगा। आई होप यू गॉट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर और हिट मी अप ऑन माई एनी सोशल मीडिया, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।